रेसा सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो भी ड्रामा से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, तो हम लोग क्लास नाइन्थ पर आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन में ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल मिस्ट्री प्लेस, यानी कि एज ऑफ रिवाइवल में जो ड्रामास थे उनमें प्रमुख तौर पर तीन ड्रामास थे, मिस्ट्री प्लेस, मोरल्टी प्लेस और मिरिकल प्लेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिस्ट्री प्लेस की बात करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिरिकल और मोरल्टी प्लेस की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं मिस्ट्री प्लेस क्या है। तो लिखा हुआ है मिस्ट्री प्लेस ड्रामेटाइज्ड स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। मिस्ट्री प्लेस वे प्लेस हुआ करते थे जिसमें कि बाइबल की कहानी को ड्रामेटाइज किया जाता था। दे इंक्लूडेड ड्रामेटाइजेशंस, इनके अंतर्गत ड्रामेटाइजेशंस होता था। और ड्रामेटाइजेशंस मुख्य रूप से किसका होता था? ऑफ द फॉल ऑफ लूसीफर, जैसे कि लूसीफर का गिरना, केन एंड एबिल की कहानी, नो एंड द फ्लड, द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ क्राइस्ट, नेटिविटी या पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये प्रमुख तौर पर जो बाइबल की स्टोरीज़ हैं उनका ड्रामेटाइजेशन किया जाता था मिस्ट्री प्लेस के अंतर्गत। आगे लिखा हुआ है द मिस्ट्री प्लेस बल लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास। अगर मिस्ट्री प्लेस की बात करें तो ये लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास थे ऑफ द क्रिएशन, जो कि क्रिएशन जो इस पर अकॉर्डिंग टू बाइबल जो क्रिएशन हुई इस पृथ्वी की उसकी कहानी, फॉल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड बेस्ड ऑन बिब्लिकल नैरेटिव्स, यानी कि बाइबल के आधार पर किस प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, किस प्रकार से उसने क्या किया वो कहानी, कॉन्सनट्रेटिंग मेनली ऑन द लाइफ एंड पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और प्रमुख तौर पर इसमें जो जीवन दिखाया जाता था वो था लाइफ एंड पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट का। दे ऑलवेज एंडेड विद द लास्ट जजमेंट, और ये प्लेस की खासियत होती थी कि इनका अंत जो था वो सदैव लास्ट जजमेंट पर हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं मिस्ट्री प्लेस क्या थे, लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास थे जिसमें क्रिएशन एंड फॉल ह्यूमन काइंड की दिखाई जाती है बिब्लिकल नैरेटिव्स के आधार पर, साथ ही साथ इसमें प्रमुख रूप से जीसस क्राइस्ट के जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। और ये प्लेस जो थे वो सदैव एंड हुआ करते थे लास्ट जजमेंट के आधार पर। आगे लिखा है दीज प्लेस पर स्टेज एट यॉर्क, दीज प्लेस पर स्टेज एट यॉर्क, चेस्टर एंड वेकफील्ड, ये प्लेस जो हुआ करते थे वो प्रमुख तौर पर तीन क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाते थे, यॉर्क, चेस्टर और वेकफील्ड में, एंड एट अनस्टेटेड लोकेशन इन ईस्ट एंग्लिया हैव सर्वाइव टुगेदर विद फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कोवेंट्री, न्यूकास्टल एंड नॉर्वेज। और साथ ही साथ अगर करें तो इन प्लेस ने सर्वाइव किया कुछ और लोकेशंस पर भी, खास तौर से अगर कहें फ्रैगमेंट्स के रूप में तो कोवेंट्री, न्यूकास्टल और नॉर्वेज में। दीज प्लेस आर दस नोन बाई दीज नेम, और इस प्रकार से इन प्लेस को इनके नामों के आधार पर जाना जाता था। आगे है दीज प्लेस पर ट्रेडिशनली परफॉर्म ऑन कॉर्पस क्रिस्टी डे, ये बात लाइन आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसमें कि ट्रेडिशनली जो मिस्ट्री प्लेस थे वह किस दिन परफॉर्म किए जाते थे, तो ये आंसर होगा कॉर्पस क्रिस्टी डे। तो ये प्लेस ट्रेडिशनली तौर पर परफॉर्म किए जाते थे कॉर्पस क्रिस्टी डे पे, वन ऑफ द मैनी फेस्टिवल डेज ऑफ द क्रिश्चियन कैलेंडर। और कॉर्पस क्रिस्टी डेज जो है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर में जो ढेर सारे त्यौहार हैं उन्हीं में से एक त्यौहार है, एंड सोबर ऑल्सो नोन एज कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस, और इसी कारण से इन प्लेस को कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट ना पूछ के मिस्ट्री प्लेस के बारे में, तो बिस टाइप ऑफ प्लेस कॉल्ड कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस, देन द आंसर इज मिस्ट्री प्लेस। ठीक, सम ऑफ दीज प्लेस आर, इनमें से कुछ प्लेस हैं। अब सबसे पहले आती है वेकफील्ड साइकिल, चलिए इसको समझते हैं ये क्या है, द वेकफील्ड साइकिल। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 32 प्लेस कमेंसिंग विद द क्रिएशन एंड द सेकेंड शेपर्ड प्ले इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस। पहले यहाँ तक समझते हैं, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 32 प्लेस, ये अगर हम बात करें वेकफील्ड साइकिल की तो इसमें कुल मिलाकर 32 प्लेस हैं, कितने 32 प्लेस। साथ ही साथ कमेंसिंग विद द क्रिएशन एंड द सेकेंड शेपर्ड प्ले इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर, और इसी साइकिल में एक प्ले और है सेकंड शेपर्ड प्ले, जो कि मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर का मास्टरपीस है। क्या है? मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर का मास्टरपीस है।
आगे है द यूजुअल सीरीज द प्लेस फॉलोज। अगर यूजुअल सीरीज की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्ले आते हैं, नो, अब्राहम एंड इसहाक, द लास्ट सपर एंड द अदर इम्पोर्टेंट प्लेस लाइक हैंगिंग ऑफ जुडास। ये अगर बात करें तो वेकफील्ड साइकिल में प्रमुख प्लेस हैं जो 32 प्लेस हैं उनमें से एक तो सेकंड शेपर्ड प्ले आप लोग नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ नो, अब्राहम एंड इसहाक, द लास्ट सपर और हैंगिंग ऑफ जुडास, ये प्रमुख प्लेस हैं। उसके बाद दूसरी साइकिल आई, दूसरी बात आई चेस्टर प्लेस की। ठीक, मैंने आपको तीन स्थान बताए थे तो जहाँ ये प्लेस हुआ करते थे, पहला था आपका वेकफील्ड, दूसरा आ गया आप चेस्टर प्लेस। तो चेस्टर प्लेस में क्या था तो समझते हैं इसको, द चेस्टर प्लेस, दीज प्लेस आर 25 इन नंबर। चेस्टर प्लेस की बात करें तो बेटा इनकी संख्या कुल मिलाकर 25 है। दीज प्लेस आर मोर सीरियस एंड डिडेक्टिक, ये प्लेस अधिक सीरियस हुआ करते हैं और एक्टेड ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे इन बिट्सन वीक फ्रॉम 1268 टू 1577 देन इन 1600। ये बहुत ध्यान रखिएगा, चेस्टर प्लेस जो हुआ करते थे अधिक सीरियस होते हैं और इनका परफॉर्मेंस हफ्ते में 3 दिन हुआ करता था, मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे, वो भी कब, पर डे नहीं, मतलब प्रत्येक वीक में नहीं बल्कि बिस्टन वीक, जो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से एक वीक पड़ता है, बिस्टन वीक में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को इन प्लेस का परफॉर्म किया जाता था। और ये प्रक्रिया कब से कब तक चली, 1268 से लेकर 1577 तक, यानी 1268 से 1577 तक और उसके बाद फिर 1600 में। इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस साइकिल आर, अगर चेस्टर साइकिल की बात करें, चेस्टर प्लेस की बात करें तो इसमें प्रमुख प्लेस हैं फॉल ऑफ लूसीफर एंड द क्रिएशन एंड द फॉल। कौन कौन से, फॉल ऑफ लूसीफर एंड द क्रिएशन एंड द फॉल। यूजिंग स्ट्रेंज एनिमल्स एंड ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स एडेड इंटरेस्ट एंड मेड दिस मोर रियलिस्टिक। आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार के जो मिस्ट्री प्लेस हैं उनमें स्ट्रेंज एनिमल्स और पिजन्स की फ्लाइट का यूज किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है चेस्टर प्लेस। ठीक, तो चेस्टर प्लेस में स्ट्रेंज एनिमल्स और साथ ही साथ पिजन्स की फ्लाइट को जोड़कर इन प्लेस को और अधिक इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बनाया गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम मिस्ट्री प्लेस में, कोवेंट्री प्लेस। ये कोवेंट्री प्लेस क्या है, तो दीज प्लेस वर सेट टू बी एक्टेड ऑन कोवेंट्री ऑन द फेस्टिवल ऑफ कॉर्बस क्रिस्टी। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता था कि ये प्लेस जो थे वह कोवेंट्री नामक स्थान पर परफॉर्म किए जाते थे, वो भी कॉर्पस क्रिस्टी पर। कॉर्पस क्रिस्टी जो फेस्टिवल है उस पर कोवेंट्री नामक स्थान पर इनका परफॉर्मेंस किया जाता था। 42 प्लेस आर प्रेजेंटेड प्रिजर्व, कुल मिलाकर कितने प्लेस प्रिजर्व हैं, 42। एंड इट इज़ नोन दैट नॉट ऑल द प्लेस वर एक्टेड इन वन ईयर। और ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ एक साल में ही इन पूरे 42 प्ले को परफॉर्म नहीं किया जाता था। द कस्टम वॉज टू परफॉर्म द फर्स्ट 28 इन वन ईयर। कस्टम ये था कि पहले 42 में से पहले 28 प्लेस जो हुआ करते थे वो पहली साल में किए जाते थे एंड रिमाइंडर द नेक्स्ट ईयर, और बचे हुए 14 प्लेस अगले वर्ष में। तो कुल मिलाकर ये 42 प्लेस का परफॉर्मेंस 2 साल में हुआ हो पाता था, पहली साल में 28 प्लेस और दूसरी साल में 14 प्लेस। और कहाँ होते थे ये, कॉर्पस क्रिस्टी डे पर हुआ करते थे और कोवेंट्री नामक स्थान पर हुआ करते थे, और टोटल इन प्लेस की संख्या है 42। तो ये आपका वीडियो है जिसमें हमने मिस्ट्री प्लेस के बारे में, मिस्ट्री प्लेस के तीनों साइकिल, वेकफील्ड, साथ ही साथ आपका चेस्टर प्लेस और कोवेंट्री प्लेस के बारे में जाना। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।